जो आज मैंने यहाँ पे देखा है वो 2007 की, जैसे आपने बात कही तो 2007 में यहाँ से इस इलाके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को ख़त्म करने वाली जो हमारी फोर्स थी, उसी फोर्स ने आज फिर से एक बार, पहली दफ़ा जब यहाँ पे उनको खबर मिलती है कि इस तरीके का कोई आतंकी ग्रुप यहाँ घूम रहा है, तो फायर इनके ऊपर पहली दफ़ा खोला है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आके नोटिस की, जो हमारी फोर्स है वो यहाँ पे बहुत मुस्तैद तरीके से इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल डटी हुई है। जहाँ पे आपने देखा कल जो शाम का वाक़ा हुआ, जहाँ पे फायर खुला, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी, वो जो ग्रुप था उस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए। जब दो तरफ से हमारी टीम ने अप्रोच किया है उस जगह की तरफ, तो उस जगह पे छुपे हुए आतंकियों ने फायर खोला है, जिसका हमने जवाब दिया है, और जवाबी कार्रवाई में उनको वहाँ से भागना पड़ा है। भागते भागते कुछ चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, बट इतना मैं ज़रूर बता पाऊँगा कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को प्रोत्साहन देगा, मोटिवेट करेगा, प्रवोक करेगा लोगों को, उनके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे और किसी भी तरीके से कोई भी वो करे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र यहाँ की पूरी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रखी हुई है। ऐसी कोई भी बात हमारे नज़र में जब भी आती है तो इमीडिएट उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। चाहे वो यहाँ बैठे, चाहे वो कहीं और बैठे, जहाँ पे भी बैठेंगे अगर यहाँ पे कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई शुरू करेंगे तो उसको लॉ के तहत हम निपट लेंगे। इतना बता सकते हैं, कोई ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना, बिकॉज यहाँ की जो अवाम है वो हम लोगों के साथ है। अवाम का साथ हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, उस वजह से जो भी यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसको अवाम नकार देगी, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन का साथ दे देगी, बहुत जल्द से इस ग्रुप को निपटा देगी। जितने भी यहाँ पे हमें दहशतगर्द जहाँ घूमते हुए पता चल रहे हैं, उनके स्केचेस हमने जारी किए हैं, उनको पकड़ने के लिए या उनको एलिमिनेट करने के लिए जो भी हमें खबर दे देगा और उसकी खबर के ऊपर वो कार्रवाई हो जाएगी, उनको हमने एक एक के पीछे 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया।